नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, आज से करीब 10-12 साल पहले जब यंगस्टर्स यानी जो 18-19 साल वाले लड़के थे वो गाड़ियां चलाना सीखते थे या फिर उसे चलाते थे तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम मींस ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग। तब के समय लोग नॉर्मली गाड़ियां सीखना चाहते थे और उसे अच्छे से चलाना चाहते थे। हालांकि उस समय भी कुछ 1-2% लोग होंगे ऐसे जो हवाबाजी में ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग करते थे। लेकिन अगर वहीं आज के जनरेशन की बात की जाए तो चीजें बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। आज के समय जो यंगस्टर्स हैं उन्हें गाड़ियां चलाना कम पसंद है, दिखावा करना ज्यादा पसंद है। ये भाई लोग कम उम्र में गाड़ी सीख लेंगे, 100, 120, 150 चलाकर उसका रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डालेंगे या फिर फेसबुक वगैरह पर डालकर हवाबाजी करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जहां ये सब चीजें होंगी वहां कायदे की ड्राइविंग नहीं हो पाएगी, ना ही ये भाई लोग कभी कायदे की ड्राइविंग सीख पाएंगे। और यही सब रीजन है जो आए दिन इनके एक्सीडेंट्स होते हैं। हाई स्पीड में होने वाले जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उसमें आपने देखा होगा गाड़ी चलाने वाले ज्यादातर यंगस्टर्स ही होते हैं। ये भाई लोग बाद का कुछ सोचते नहीं हैं, इनको सिर्फ गाड़ी उड़ाने से मतलब होता है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसके पीछे इनके पेरेंट्स का भी बड़ा हाथ होता है। वो अगर बच्चों को पहले से चीजें सिखाएं या फिर वो स्ट्रिक्ट रहें तो शायद ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो। लेकिन आजकल के पेरेंट्स भी अपनी गाड़ी दे देते हैं बच्चों को कि जाओ भैया उड़ाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। और यही सब चीजें जो है वो बच्चों का और भी मन बढ़ा देती हैं और इसीलिए वो गलत तरह से ड्राइविंग करते हैं। आज भी ऐसा ही एक एक्सीडेंट सामने आया है जिसे झारखंड से एक व्यूअर ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली झारखंड के बोकारो में टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का हुआ है और शायद ये टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का पहला और सबसे खतरनाक एक्सीडेंट है। इससे पहले मैंने आपको सफारी फेसलिफ्ट और डिजायर के बीच हुआ एक्सीडेंट दिखाया था जो शायद आंध्र प्रदेश में किसी जगह पर हुआ था। वहां पर गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। आइए देखते हैं हैरियर फेसलिफ्ट, जिसको ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार और भारत एनकैप में भी 5 स्टार मिले हुए हैं, उसने कैसा परफॉर्म किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा हैरियर से 4 लड़के जो 12th क्लास के हैं वो धनबाद बोकारो NH18 से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी तेल मच्छो पुल के पास उनकी गाड़ी अचानक से अनकंट्रोल हो गई और सीधा ब्रिज से नीचे जाकर गिर गई। यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का रीजन एग्जैक्टली सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिस भाई ने मुझे ये न्यूज भेजा है वो वहीं लोकल का ही था और उसने बताया कि ये लोग काफी ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे थे इसलिए गाड़ी को ये टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई इस गाड़ी में चारों ही बच्चे 12th क्लास के थे और आजकल के बच्चे गाड़ी को चलाते नहीं बल्कि उड़ाते हैं। आप खुद ही अपने आसपास या फिर रील वगैरह में देखते आ रहे होंगे, वही सिचुएशन यहां पर भी क्रिएट हुआ होगा। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये शायद नशे वशे में भी थे, लेकिन इस बात को दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। बताया जा रहा कि ये सभी लड़के शायद किसी प्रोग्राम में गए थे और वहीं से ये वापस आ रहे थे। हो सकता है इनका फेयरवेल पार्टी वगैरह चल रहा हो क्योंकि इस टाइम स्कूलों में फेयरवेल पार्टीज चलती हैं और फेयरवेल पार्टीज के बाद या पहले कुछ लड़के किस तरह से स्कूल जाते और आते हैं वो भी आपने कई बार रील में देखा होगा। तो हो सकता है भाई लोग यहां पर भी दिखावे विखावे के चक्कर में गाड़ी को हद से ज्यादा तेज रफ्तार में चला रहे हों और ये कंट्रोल नहीं कर पाए। खैर, बात करें गाड़ी के डैमेज की तो इसका फ्रंट डैमेज हो गया है, साइड में आप देख सकते हैं इसके दोनों डोर्स डैमेज हो गए हैं और टॉप साइड डैमेज हुआ है। इधर ज्यादा नुकसान आया है क्योंकि गाड़ी डायरेक्ट इसी साइड से नीचे गिरी है, लेकिन फिर भी आप इसके पिलर्स को देख सकते हैं, ये काफी हद तक इंटैक्ट है, ना ही ये कोलैप्स हुए हैं और ना ही मुड़े हुए हैं। वहीं रूफ भी पूरी तरह से इंटैक्ट है, ये भी अंदर नहीं घुसा है और यही सब वजह थी कि SUV का कैबिन भी पूरी तरह से इंटैक्ट था। हालांकि इसके सारे एयरबैग्स खुल गए हैं। बाकी गाड़ी में और कोई बहुत ज्यादा मेजर डैमेज नहीं दिख रहा, ठीक ठाक हाइट से गिरने के बाद भी ये सेफ है। बात करें अंदर बैठे बच्चों की तो जो इसे चला रहा था उसे शायद थोड़ी बहुत चोटें आई थी, हालांकि वो सेफ है, और बाकी जो 3 थे उनको तो बिल्कुल भी चोटें नहीं आई हैं। तो भाई फॉर्चुनेटली यहाँ पर टाटा हैरियर थी इसीलिए ये चारों बच्चे सेफ बच गए। यहाँ पर कोई और लो बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी होती तो शायद इन बच्चों को काफी मेजर इंजरीज आ जाती या उनकी जान भी चली जाती। लेकिन वही बात है भाई, आपको कई बार बताया गया है कि गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी जो है वो एक लिमिट तक ही काम आती है। हाई स्पीड में टाटा हैरियर का भी आपने भयानक हाल होते हुए देखा होगा, लेकिन अब इन बच्चों को कौन समझाए। ये लोग सिर्फ भौकाल और दिखावे के चक्कर में ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग करते हैं जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है। इनके पेरेंट्स को समझना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसे हवाबाजी करने के लिए गाड़ियां नहीं देनी चाहिए। बच्चे अगर कायदे से नियम कानून को फॉलो करते हुए ड्राइव करें तभी उनको गाड़ी दीजिए, वरना ये खुद का तो नुकसान करेंगे ही, साथ में दूसरे जिनकी कोई गलती नहीं होगी उनका भी बिना वजह नुकसान हो जाएगा। बाकी उम्मीद करते हैं भाई कि ये यंगस्टर्स भी इन वीडियोस को देखकर सुधरेंगे और आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। आपका इस पर क्या मानना है और टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के बिल्ड क्वालिटी पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइए।